Assalamu alaikum. Hello pretty ladies, welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सी DIY हेयर मास्क रेसिपी. अगर आपके बाल ड्राई, डैमेज, डल और वीक हो चुके हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही. ये एक होममेड केराटिन ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को हेल्दी, शाइनी लुकिंग और स्ट्रॉन्ग बना देगा. और इसमें जाने वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल है. तो यह बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है जो कि बहुत ही सस्ती और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल बनने वाली है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. और ये एक होममेड केराटिन ट्रीटमेंट है जो कि सैलून के केराटिन ट्रीटमेंट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में बन जाएगी, क्योंकि इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट डायरेक्टली आपके किचन में मौजूद हैं, जैसे कि बनाना, एग, कोकोनट मिल्क, योगर्ट, हनी एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आप इसे 2-3 बार ट्राई कर ले तो पहले एप्लीकेशन के बाद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स. तो चलिए अब इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें जाने वाला है बनाना, जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिंस होता है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपके बालों को सॉफ्टर बना देते हैं और स्प्लिट एंड्स और हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं. इसके बाद जाने वाला है इसमें कोकोनट मिल्क, जो कि एक हेयर टॉनिक है जो आपके हेयर्स को डीपली नरिश करेगा, उन्हें हेल्दी और ग्रोइंग बना देगा. नेक्स्ट जाने वाला है एग, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है. और केराटिन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है. ये आपके बालों का फ्रीजीनेस कम कर देता है, उनको डैमेज को रिपेयर कर देता है और आपके स्कैल्प के सीबम को बैलेंस कर देता है. नेक्स्ट जाने वाला है इसमें योगर्ट. योगर्ट में एंटी फंगल और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है. तो ये आपके हेयर्स में अगर डैंड्रफ का इशू है तो उसको सॉल्व करने वाला है और आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, बहुत ही बेहतरीन सा. ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा हनी. हनी के अंदर अमीनो एसिड होता है, विटामिंस होते हैं और मिनरल्स होते हैं गाइस. तो ये आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम को ट्रीट करने वाला है, आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देगा और साथ ही साथ आपके हेयर को कंडीशन भी करेगा. ठीक है, इसके बाद हनी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है. तो अगर आपके स्कैल्प पर किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो इसे भी रिड्यूस कर देगा. बट हनी साथ ही साथ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी रखता है. तो याद रखिएगा, जब भी कोई हेयर मास्क में आप हनी ऐड करें तो उसे ज़्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि ये आपके हेयर को ब्लीच करके उन्हें ग्रे या वाइट कर सकता है. तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट जो है इसके अंदर जाने वाला है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल जो है ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन से फाइट करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. यानी इन शॉर्ट आपके बाल स्ट्रॉन्गर, हेल्दी और थिक हो जाएंगे. तो ये तो इंग्रेडिएंट्स के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हो गए. तो सोचिए ये हेयर मास्क कितना ही अमेजिंग होने वाला है. तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसमें मैंने सबसे पहले हाफ बनाना को मैश कर दिया है अपने हेयर लेंथ के हिसाब से. अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप पूरा बनाना ऐड कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर मिक्स करिए तो, बट बेटर है कि आप इसे मिक्सी में बनाएं, क्योंकि उसमें फिर बनाना के छोटे छोटे चंक्स नहीं रहते, वरना वो आपके बाल में स्टिक हो जाएंगे. तो बेटर है आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में ही ब्लेंड कर दीजिए. इसके बाद इसमें जाने वाला है 1 टीस्पून ऑफ हनी. ये देखिए मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया. अब इसमें जाने वाला है हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है कोकोनट मिल्क. ये इसमें मैं 2 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ. ठीक है, इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है योगर्ट. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट. ठीक है, इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. ये हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करना है. ये देखिए मैंने इसमें इतना ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है. अब बारी आती है एग ऐड करने की. तो इसमें अब जाने वाला है एक अंडा. ये मैंने इसमें एक अंडा ऐड कर दिया है. और ये अंडे के साथ ही अब हमारे इस मास्क के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मिक्सिंग का. अब ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर इसे विस्क करने का बहुत ट्राई किया, बट बिलीव मी इसमें बनाना के चंक्स रह जाते हैं और वो फिर ड्राई होने के बाद बालों से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो बेटर है आप इसे इस तरह से विस्क करने के बजाय मिक्सर में ब्लेंड कर दीजिए और पूरा फाइन पेस्ट बना दीजिए, क्योंकि बनाना के चंक्स नहीं चाहिए हमें.
अब देखिए मैंने ये ब्लेंड करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अभी हमारा केराटिन हेयर मास्क रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है इसे अप्लाई करना। तो हमें इसे अपने स्काल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है और हेयर लेंथ पे पूरा रूट से लेकर टिप तक पूरा अप्लाई कर दीजिए। पूरे बाल को कवर कर दीजिए इस मास्क से और फिर इसे 30 से 45 मतलब 30 से 45 मिनट तक अपने बालों में रहने दीजिए। उसके बाद उसे वॉश कर देना है। याद रखे 1 घंटे से ऊपर नहीं रखना है क्योंकि इसमें हनी है जो आपके बालों को सफ़ेद कर सकता है। इसके बाद हमें अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। कंडीशनिंग नहीं भी करें तो भी चलेगा क्योंकि वैसे भी मास्क से आपके बाल कंडीशन हो ही जाएंगे। फिर बाद में आपको फ़र्क अपने आप दिखाई देगा। बाल थोड़े सॉफ्ट और टेक्सचर भी अच्छा दिखाई देगा। सिल्की शाइनिंग थोड़ा 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 दिखाई देगा, नॉट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसमें रिजल्ट आपको तुरंत नज़र आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है ओके, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है। तो आपको ये मंथ में 3 से 4 बार अप्लाई करना है, वीक में 1 बार, ताकि आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे दिखाई दे। तो फटाफट जाइए और ये होममेड केराटिन ट्रीटमेंट ट्राई कीजिए गाइस, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन बॉक्स में शेयर करना ना भूले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसके बाजू का बेल आइकन फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस करिएगा। अब मैं चलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे प्रीटी। लव यू ऑल।